कि मैं ऑटोमेटिकली कभी भी ऑल टाइम में आ सकता है, जैसे अभी आप जैसे सुबह का टाइम में भी आ सकता है, शाम का टाइम में भी आ सकता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आज का जो वीडियो होने वाला है तो देख सकते हो, तो मेरे पास अभी एक नोटिफिकेशन आया है। आप जैसे सर्च करके वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट देखना। देखो ऐसा जो आपको एक प्रॉब्लम देखने मिलता है, कोई भी एप्लीकेशन में ऐसा एक प्रॉब्लम आता है तो आप इसकी में ऑटोमेटिकली कभी भी ऑल टाइम में आ सकता है, जैसे अभी आप जैसे सुबह का टाइम में भी आ सकता है, शाम का टाइम में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है ऐसा आपको एक नोटिफिकेशन। तो उसके बाद आपको इससे क्या है, ऐसा आपको जैसे ऐसा जो आपको ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ऑप्शन क्यों दिख रहा है, तो ये वाला जो आपको सबसे ऊपर में फुल जो ऐप है, तो ऐसा आपको एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। तो ऐसा जो आपको कोई भी एप्लीकेशन है उसका नाम आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ आपको देखोगे पिक्सार्ट। तो मेरे पास जो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैं जैसे इसको जैसे आप जैसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करने के बाद आप जैसे आपका जो स्क्रीन में आ जाता हूँ, तो मेरा जो पिक्सार्ट एप्लीकेशन है, तो ये वाला जो एप्लीकेशन में कुछ डाटा है मेरा, यहाँ को कुछ जैसे ऐसा एप्लीकेशन को आप जैसे इंस्टॉल करके रखा हो, तो उसका जो यहाँ आपको देखोगे डाटा यहाँ को दिखा रहा है, और SMS यहाँ को, फोटो, ऑडियो, यहाँ को सब कुछ यहाँ को स्टोरी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा डेंजरस टाइप का है, तो आपको ऐसा जो ऐसा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो एप्लीकेशन मेरे पास अभी पिक्सार्ट दिखा रहा है, कोई भी एप्लीकेशन में आपको ऐसा आपको ऑप्शन देखने मिल सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अनइंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली एप्लीकेशन को ऑफलाइन क्लिक कर सकते हो। ऑफलाइन करना चाहते हो ऑफलाइन कर सकते हो, अनइंस्टॉल करना चाहते हो अनइंस्टॉल बटन में क्लिक करोगे, एक बार जैसे आपको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो वो वाला जो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करो, तो आपको जब आपका जो फ़ोन में ऐसा ऑप्शन आता है, तो आप जैसे अनइंस्टॉल बटन में क्लिक करो तो आपका जो एप्लीकेशन है डिलीट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी के लिए आपको ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है, तो आपका जो फ़ोन है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे कोई भी जो डाटा है जैसे चुराए नहीं, तो आपका जैसे आपका जो फ़ोन के लिए सिक्योरिटी है। तो आप जैसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये आपका ऊपर डिफेंस है। तो मैं आपको अच्छा से मैं आपको समझा चुका हूँ, तो वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जैन बनो तुम, गुड बाय।